श्रावण के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, दर्शन और जलाभिषेक से वंचित रहने पर मायूस दिखे श्रद्धालु कोरोना महामारी के कारण इस साल नहीं पहुंचे कांवड़िए। बिहार के शिव मंदिरों में भी दिखी भक्तों की भीड़, अनुशासन में दिखे श्रद्धालु, भक्तों ने कहा महामारी से मुक्ति दिलाएंगे भगवान भोलेनाथ। भारत में अब दो दवा कंपनियों को मिली कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। सफल होने पर भारत से कोरोना का होगा अंत, साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती हैं दोनों वैक्सीन। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से पीछे हटे चीनी सैनिक, सैटेलाइट तस्वीरों में वापसी का खुलासा, समझौते के तहत पीछे हटी चीनी सेना। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लॉन्च किया महा जॉब पोर्टल, राज्य के नौजवानों और भूमिपुत्रों को रोजगार दिलाने की बड़ी पहल, रोजगार पाने के लिए जरूरी होगा महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बिहार में जदयू महिला विंग की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मास्क और सैनिटाइजर के बिना नजर आई महिला कार्यकर्ता, विपक्ष ने साधा निशाना। माननीय नीतीश कुमार बिहार की धरती पर महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए जितने भी कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें इस कार्यक्रम चलाने के बावजूद हमारे बिहार की धरती पर खासकर चंपारण में महिला संगठन काफी कमजोर था। इसी को मजबूत करने के लिए माननीय आरसीपी सब के द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया महिला कमेटी का। मैं उनके उद्देश्यों का पालन करते हुए हम अपने लक्ष्य को माननीय नीतीश कुमार को बनाते हुए महिला संगठन को आज अध्यक्ष और सचिव तक महिला संगठन पूर्ण रूप में तैयार है आगामी चुनाव को पूरी तरह से जीत की परिणाम देने के लिए। हमारी महिलाएं पूछे से कंधे मिलाकर हर कार्यक्रम में समान रूप से भाग लेगी और माननीय नीतीश कुमार का हाथों को मजबूत करेगी। इसी उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर बिहार भाजपा ने आयोजित किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। भाजपाई बोले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखंड भारत के सपने को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पीएम और जेपी नड्डा ने भी किया याद। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सितारगंज में हरेला त्योहार पर किया वृक्षारोपण, लोगों को दी त्योहार की शुभकामनाएं, महामारी में सावधानी पूर्वक त्योहार मनाने की भी अपील। मैं हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे उत्तराखंड का ये प्रमुख त्यौहार है और इसने महसूस कराया है कि प्रकृति जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही हम लोगों का जीवन स्वस्थ होगा। तो मैं बच्चों के निमित्त विद्यालय शिक्षा मंत्री हूँ, मैं बच्चों के निमित्त एक छोटा सा संदेश लेकर प्रदेश के अंदर भ्रमण पर निकला हूँ 10 दिन के कार्यक्रम में, ताकि बच्चों को ये मैसेज देने के लिए कि जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे और प्रकृति का जितना हम संवर्धन करेंगे वह प्रकृति उतना ही हमारा साथ देगी। इस नाते बच्चे अपने जीवन में सुख का माहौल हो या दुख का माहौल हो, कोई सी भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके उस दिन बच्चे कोई ना कोई वृक्षारोपण करें और उसका संरक्षण भी करें, ताकि वो पौधा बड़ा होकर समाज का एक संरक्षक बन के हमारे जीवन में काम आए। इसे निमित्त प्रदेश में मैं भ्रमण पर निकला हूँ। कि ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि सरकार ने भी आदेश दिया है और उसी आदेश के समकक्ष हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया है कि स्कूल में कोई भी जो पढ़ाएगा ऑनलाइन या चाहे सीधे किसी माध्यम से पढ़ाए, चाहे शिक्षकों को भेज के पढ़ाए, तो मात्र ट्यूशन फीस लेंगे और इसमें हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका हम 100% पालन करेंगे, उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। उसके लिए बकायदा गाइडलाइन बनी हुई है, जो भी इसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, शासनादेश का चाहे हाई कोर्ट का, जो भी निर्देश का पालन नहीं करेंगे, निश्चित ही सरकार में उसके प्रावधान बने हुए हैं, उसका पालन किया जाएगा। अरे बाबा, आपको मालूम है उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ पर बहुत धूमधाम मनाया जाता है। मैं माननीय मंत्री
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, माननीय पूर्व हमारे सांसद बलराज पासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज उन्होंने पूरे ऊधम सिंह नगर के हर विधानसभा में जाके वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है। उसी के समान में हमारे GGIC में आके उन्होंने कन्या कॉलेज में आके आज वृक्षारोपण किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ऐसी प्रथा हर शिक्षा मंत्री अपने GGIC में कायम रखे। ये बहुत अच्छा एक उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हर पूरे क्षेत्र में और पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में हर जगह जाके मंत्री जी खुद पेड़ लगा रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये प्रथा कायम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ। लाभार्थियों को बांटे गए दुधारू पशु, डेयरी उद्योग के जरिए रोजगार को बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर। बिहार में ब्रावो फाउंडेशन की सराहनीय पहल, प्रवासी मजदूरों को दिला रहे रोजगार, महिलाओं को स्वयं रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की पहल। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ब्रावो फाउंडेशन इतना इस कोरोना काल में इतना सोच रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसे जुड़ के भी गर्व महसूस कर रहे हैं और अपना काम हम अच्छे से कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दूसरों को मदद करने में मास्क बनाकर दूसरों के लिए हम लोगों ने करके आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण रोजगार योजना साथ ही बिहार राज्य के जो योजनाएँ हैं जिसमें माइग्रेंट लेबर्स को उनको जॉब देना है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, इसी कड़ी में जो है ब्रावो इंडस्ट्रीज के द्वारा मोतिहारी जिले में जो है यहाँ पे श्रमिकों को जो है लाभ पहुँचाया गया है। स्टिचिंग का बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन है, ये फेस मास्क बनाएंगे और इस पे उन्होंने टीचर की अपॉइंटमेंट की है, इसके साथ साथ मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी अपॉइंटमेंट की है और कई सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट और इंजीनियर पोस्ट की भी जो है अभी पाइपलाइन में है, जिसका स्क्रूटनी यहाँ पे किया गया है। तो मोतिहारी चंपारण वासियों को एक अच्छा मौका है, जो श्रमिक बाहर से आए हैं और मास्क मेकिंग में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो काम कर रहे हैं, इनको ब्रावो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं ब्रावो इंडस्ट्रीज़ को भी धन्यवाद देता हूँ और जिला प्रशासन की टीम और आप सभी को, क्योंकि आपने भी जो है इसका प्रचार प्रसार अच्छा किया और उसी के चलते जो है फेयर कॉम्पिटिशन के थ्रू जो है इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ पर दिया जा रहा है। COVID-19 का जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का पोर्टल है, उसमें 1,10,000 के करीब जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देना है माइग्रेंट लेबर्स को, परंतु फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं क्वारंटाइन कैंप्स के डाटा के आलोक में, तो उसमें जो हमको उपलब्ध हो रहा है हम सबको रोजगार दे रहे हैं। अभी मनरेगा में लगभग 20,000 के करीब जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुशल मजदूरों के लिए किया गया है। इसके अलावा GKRA के अंतर्गत 15 सेक्टर्स माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, तो संबंधित विभागों को जो हमारा उद्योग विभाग का श्रम साधन पोर्टल है वहाँ पे डिमांड प्लेस होता है, उस डिमांड के आलोक में जो है हम सरकारी संस्था हो प्राइवेट संस्था हो इनको जो है यहाँ पर श्रमिक माइग्रेंट लेबर्स को उपलब्ध कराते हैं उनके चॉइस के अनुसार।